तो दोस्तों सिर्फ हम बात करने वाले HDFC बैंक के बारे में और हम यहाँ पर करेंगे HDFC बैंक का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मॉडल लेवल्स है जो हमें HDFC बैंक के लिए ध्यान में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन एंड हमें यहाँ पर जो है वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर HDFC बैंक की, तो ओवरऑल HDFC बैंक ने स्टिल यहाँ पर जो है वो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा संभाल के रखा है। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो बिल्कुल भी करेक्ट होगा, क्योंकि ओवरऑल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो मार्केट में गिरावट नहीं हुई। मार्केट में इस हफ्ते में भी यहाँ पर जो है वो गिरावट हुई है। एक दिन यहाँ पर अगर मान लो कोटक बैंक ने ट्रैक किया, तो एक दिन ICICI ने ट्रैक किया, तो एक दिन यहाँ पर जो है वो इंडसइंड बैंक ने ट्रैक किया। बट अल्टीमेटली HDFC बैंक ने देन टू यहाँ पर एनी हाउ जो गिरावट है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने की कोशिश डेफिनेटली की है। अब यहाँ पर ये काउंटर जो है वो सारे के सारे EMAs के ऊपर ट्रेड कर रहा है एज़ वी ऑल नो, एंड इसका लास्ट रेजिस्टेंस बचता है 1800। तो देखना ही है कि क्या नेक्स्ट वीक में अगर तेज़ी बनी तो क्या ये 1800 को ब्रेक करके ऊपर निकल पाएगा या फिर नहीं।